दोस्तों हाजिर हूं मैं आपके सामने एक और स्मॉल बिजनेस आइडिया लेकर। दोस्तों इस बिजनेस में आपको जरूरत होगी सिर्फ इस मशीन की। ये मशीन आपको 4,000 से 5,000 रुपए में मिल जाएगी। लेकिन इस मशीन की खास बात क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस मशीन की खास बात ये है कि इसकी मदद से आप लाखों रुपए का बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे, तो आपको ये वीडियो यहां से लेकर यहां तक देखना पड़ेगा। तो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमाओ और कमाने दो के नए एपिसोड में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी शुरुआत आप लो बजट में करके हाई प्रॉफिट कमा सकते हो। और दोस्तों ये बिजनेस आइडिया एकदम न्यू बिजनेस आइडिया है, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। लेकिन दोस्तों जिन लोगों को पता है वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों इस बिजनेस के बारे में रिसर्च करते वक्त मैंने पाया कि यूट्यूब पे भी बहुत ही कम वीडियो अवेलेबल है, और जो भी अवेलेबल है उनमें पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, हमारे चैनल पे तो वैसे भी हम हर बिजनेस के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इस बिजनेस के बारे में भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए। और आज के वीडियो के लाइक्स एंड कमेंट्स का टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 1,000, तो अभी का भी लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में आपका नाम जरूर लिख दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, वो बिजनेस आइडिया है नहीं दोस्तों गाड़ी को नहीं काटना है, लेकिन वो मशीन जिस तरह गाड़ी को काट रही थी उसी प्रकार ये मशीन पेपर को काट देती है, और आपको वो कटे हुए पेपर को बेचना होगा। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आप ये कटे हुए पेपर को बेचोगे कहाँ पे। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आप कौन सा पेपर काट सकते हो और काटने के लिए आपको पेपर कहाँ से मिलेगा। दोस्तों इस मशीन की मदद से आप हर तरह का पेपर काट सकते हो, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, असाइनमेंट पेपर, A4 साइज के पेपर, एग्रीमेंट पेपर, आप किसी भी तरह का पेपर इस मशीन की मदद से काट सकते हो। और पेपर आपको मिल जाएगा आपके आसपास के घरों में, ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, और भी बहुत सारी जगहों पे। दोस्तों आप खुद जानते होंगे आज का जो न्यूज़पेपर होता है उसकी वैल्यू सिर्फ आज ही होती है। आज बीत जाने के बाद नेक्स्ट डे वो रद्दी के भाव से किलो के हिसाब से बिकता है। उसी प्रकार दोस्तों असाइनमेंट पेपर जो होता है उस पे एक बार स्टूडेंट जब कुछ लिख देता है और कॉलेज में सबमिट कर देता है, उसके बाद उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो भी किलो के हिसाब से बिकता है। A4 साइज का जो प्लेन पेपर होता है उस पे कुछ भी प्रिंट करने के बाद उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो भी किलो के हिसाब से बंगार में बिकता है। तो दोस्तों आप अपने आसपास के घरों में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में यहाँ से ऐसे पेपर कलेक्ट कर सकते हो। ये आपको मिल जाएंगे 10 से 12 रुपए किलो के बीच में, और इनको आप काट कर बेच सकते हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, काट के बेचने के बाद इनकी प्राइस आपको मिलेगी 20 रुपए से लेकर 25 रुपए किलो के बीच में, मतलब पर केजी पे आपको 10 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बचेगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आप कौन सा पेपर काट सकते हो और ये पेपर आपको कहां कहां से मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मशीन काम कैसे करती है। दोस्तों इस मशीन को ऑपरेट करना बहुत ही आसान है, आपको सिंपली पेपर इसके अंदर डालना होगा। जैसे आप पेपर इसके अंदर एंटर करेंगे, पेपर कट के ऑटोमेटिकली नीचे जमा होने लगेगा। दोस्तों जो नीचे का हिस्सा होता है जहाँ पे पेपर जमा होता है उसे बीम कहते हैं। आप जितनी महंगी मशीन खरीदेंगे उसके बीम का साइज उतना ही बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सस्ती वाली मशीन खरीदते हैं और उसके बीम का साइज 10 किलो है, तो आप एक बार में 10 किलो पेपर ही काट सकते हो। वैसे ही अगर आप महंगी वाली मशीन खरीदते हैं जिसका बीम का साइज 50 किलो है, तो आप एक बार में 50 किलो पेपर को काट सकते हैं। दोस्तों ये मशीन आपको 4,000 रुपए से लेकर 2,00,000 रुपए तक मिल जाएगी, आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इन कटे हुए पेपर को आप बेचोगे कहाँ पे, क्योंकि जब तक बिकेगा नहीं प्रॉफिट दिखेगा नहीं। मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका, इन कटे हुए पेपर को आप बेच सकते हो पेपर रिसाइकलिंग प्लांट में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जहाँ पे भी पुराने पेपर को रिसाइकल करके नया पेपर बनाया जाता है, वहाँ पे ऐसे कटे हुए पेपर की बहुत डिमांड होती है। वहाँ पे आपको आसानी से 20 से 25 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा, आप वहाँ पे बेच सकते हो। आपको सिर्फ जरूरत होगी अपने आसपास में ये ढूंढने की कि पेपर रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ पे है। आपको सिर्फ उनसे कांटेक्ट करना होगा और बताना होगा कि मेरे पास इतना माल अवेलेबल रहता है, मैं इतना माल आपको बेचना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जितना भी माल उनको बेचेंगे वो सारा का सारा आपसे खरीद लेंगे, क्योंकि उनका काम ही यही है, वो पुराने पेपर को नए पेपर में कन्वर्ट करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। दूसरा तरीका, दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रूट के बॉक्स में ऐसे कटे हुए पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, गिफ्ट के बॉक्स में भी ऐसे कटे हुए पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो कांच के आइटम होते हैं उनमें भी ऐसे कटे हुए पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आप टारगेट कर सकते हो इन लोगों को, मतलब जो बड़े बड़े फूड के डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं जो बॉक्स में पैक करके बेचते हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप कांच के आइटम बनाने वाले मैन्युफैक्चरर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, गिफ्ट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दोस्तों आपको यहाँ से भी थोड़े थोड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये सेकेंडरी मेथड है, आपका प्राइमरी मेथड होना चाहिए पेपर रिसाइकलिंग प्लांट। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरे मेथड के बारे में। दोस्तों आप सफेद पेपर को कलर करके इस मशीन की मदद से काट सकते हो और आप गिफ्ट के शॉप में बेच सकते हो। आपको मैं दिखाता हूँ कि Amazon पे क्या भाव में बिक रहा है। Amazon के ऊपर अलग अलग सेलर अलग अलग प्राइस में बेच रहे हैं। देखिए यहाँ पे 169 रुपीस का है, यहाँ पे 169, यहाँ पे नीचे देखेंगे 190 रुपीस, और भी दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है।
ये देखिए 190। मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं, ये देखिए ब्लू कलर में है। आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये देखिए पेपर का पूरा कम्प्लीटली बना हुआ है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी वैरायटी भी है, जैसे रेड कलर में भी, येलो कलर में भी, व्हाइट में भी है, और भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आप खुद समझ गए होंगे, आप कलरफुल पेपर को अमेज़न में भी बेच सकते हो और साथ ही साथ गिफ्ट शॉप में भी बेच सकते हो। दोस्तों मैं आपको फिर से कहूंगा, आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए पेपर रिसाइक्लिंग प्लांट, क्योंकि वहीं से ही आपको बल्क में ऑर्डर्स मिलेंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप लाखों का बिजनेस कर सकते हो, चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इंडिया में कुछ कंपनीज इस बिजनेस को बड़े लेवल पे कर रही है, वो अपनी फ्रेंचाइजी भी देती है। अगर आपके पास 6 से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए है तो आप उनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। जो कंपनीज बड़े लेवल पे काम कर रही है वो टारगेट करती है कॉर्पोरेट ऑफिसर्स को। दोस्तों आप खुद जानते होंगे कॉर्पोरेट ऑफिस में बहुत सारे पेपर्स अलग अलग चीजों के लिए प्रिंट किए जाते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, बिल्स के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए। दोस्तों हर एक पेपर के ऊपर कंपनी की इन्फॉर्मेशन प्रिंट होती है, अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत हाथों में पहुंच जाए तो कंपनी को नुकसान हो सकता है, इसलिए मैक्सिमम कंपनीज अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स को अपने आंखों के सामने डिस्ट्रॉय करवाती है। तो जो लोग इस बिजनेस को बड़े लेवल पे कर रहे हैं वो ऑन साइट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो इस मशीन को लेकर कंपनी में जाते हैं, उनकी आंखों के सामने पेपर को काटते हैं और उसके बाद कटे हुए पेपर को अपने गोडाउन में लेकर आते हैं। अब दोस्तों ऐसा करने से उनको ज्यादा फायदा होता है, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले वो कंपनी को बोलते हैं कि हम 1 किलो पेपर का 12 रुपए देंगे और 1 किलो पेपर काटने का 5 रुपए लेंगे, मतलब अगर वो 100 किलो पेपर काटते हैं तो कटिंग चार्जेस हो जाता है 500 रुपया और उनको देना है 1200 रुपया। तो 1200 में से 500 काट कर वो कंपनी को सिर्फ 700 रुपया देते हैं, मतलब 1 किलो पेपर उनको 7 रुपए में मिल जाता है, जिसको वो 20 से 25 रुपए में बेच देते हैं। तो दोस्तों उनको पर केजी पे कम से कम 15 रुपए का प्रॉफिट होता है, उसमें से 6-7 रुपए ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीजों का निकाल दे तो फिर भी पर केजी पे कम से कम 8 रुपए का नेट प्रॉफिट होता है। अगर वो दिन में 400-500 किलो पेपर भी कलेक्ट करते हैं तो प्रॉफिट हो जाता है 3200 से लेकर 4000 रुपया। लेकिन दोस्तों इतना प्रॉफिट करने के लिए उनका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होता है, उनके पास टेम्पो होता है और महंगी वाली मशीन होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस बिजनेस को बड़े लेवल पे शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 2-3 लाख रुपए होने चाहिए, उसके बाद आप कॉर्पोरेट ऑफिसर्स को टारगेट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी को कर सकते हैं, कॉलेज को कर सकते हैं, स्कूल को कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने लोकल एरिया में सर्विस दे सकते हो, उसके बाद सिटी लेवल पे एक्सपांड कर सकते हो, उसके बाद अगर आप चाहें तो लोगों को अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी भी दे सकते हो। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देना चाहूंगा, इस बिजनेस का स्कोप बड़े शहर में ज्यादा होगा। अगर आप गांव में ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बड़ी मशीन ना लें, सबसे पहले छोटी मशीन से शुरू करें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में एक बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।